नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ में हूं अपूर्व मिश्रा। आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले अगर कोई खिलाड़ी है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। 150 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, लेकिन कुछ सीजन्स में ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने धोनी से ज्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसे में मैं अपने इस वीडियो में उन खिलाड़ियों का नाम आपको बताने जा रहा हूं जो किसी सीजन में धोनी से ज्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम है विराट कोहली का। आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2018 से लगातार धोनी से लगातार वो 2 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। आरसीबी की रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वो पहली प्राथमिकता पर रहते हैं और उनको मिलती है सैलरी 17 करोड़ रुपए। ऐसे में धोनी से 2 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं विराट कोहली को, और इस साल भी सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में अभी तक विराट कोहली ही हैं धोनी से ज्यादा। इसके अलावा नाम आता है युवराज सिंह का। आईपीएल नीलामी में केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार युवराज सिंह सबसे महंगे बिके हैं। 2015 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 16 करोड़ रुपए में खरीदा था और इससे पहले युवराज को आरसीबी ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2014 से 2017 के बीच धोनी 12.5 करोड़ रुपए कमा रहे थे, यानी कि इन तीनों सीजनों में फिर युवराज सिंह ने उनसे ज्यादा पैसे कमाए। इसके बाद आते हैं खिलाड़ी का नाम है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स पहली बार आईपीएल नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बनने का उन्होंने इतिहास रचा था। अपनी पहली नीलामी में उन्होंने 14.5 करोड़ लिए थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने स्टोक्स को 14.5 करोड़ में खरीदा था और इस तरह उन्होंने धोनी को पीछे छोड़ दिया। आरपीएस के कप्तान की सैलरी 12.5 करोड़ थी, यानी उस समय धोनी की सैलरी 12.5 करोड़ थी और स्टोक्स को 14.5 करोड़ में खरीदा गया था। आईपीएल 2017 में धोनी आरपीएस कप्तान नहीं थे और स्टोक्स स्टीव स्मिथ के नेतृत्व में जो है उसमें खेले थे, मतलब महेंद्र सिंह धोनी उस सीजन में थे लेकिन उसकी जो कप्तानी की थी स्टीव स्मिथ ने की थी, लेकिन धोनी से ज़्यादा पैसे बेन स्टोक्स को मिले थे। इसके बाद नाम आता है पैट कमिंस का। विदेशी खिलाड़ियों में पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। 2020 की नीलामी में उन्हें कोलकाता ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये कीमत धोनी और रोहित शर्मा से 50 लाख रुपए ज़्यादा थी। दोनों को ही 15 करोड़ मिलते हैं, इनको मिले थे 15.5 करोड़ रुपए। इसके बाद एक और नाम है इस लिस्ट में जिसका नाम है केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ। जी हाँ, 2009 की आईपीएल नीलामी में केविन पीटरसन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को 1.55 अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया था। इससे एक साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को 1.5 मिलियन डॉलर में खरीदा था और इन दोनों खिलाड़ियों को 1.55 मिलियन डॉलर में खरीदा गया और इन दोनों ने ही धोनी की कीमत को पछाड़ दिया था। 2009 में फ्लिंटॉफ धोनी के नेतृत्व में ही खेले थे। तो ये वो तमाम खिलाड़ी रहे हैं, 5 से 6 खिलाड़ी जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने धोनी से ज्यादा पैसे कमाने का रिकॉर्ड बनाया है। बड़ा ही दिलचस्प रिकॉर्ड है। कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको, बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।